이자 말이시 공고노 교. 죽어서도 절대 벗어날 수 없는 첩장이라뇨. 위대한 황국의 바치라. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इस मूवी का नाम है एक्सुमा। ये मूवी एक साउथ कोरियन मूवी है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि साउथ कोरियन मूवीज़ बहुत ही डरावनी होती है, तो ये मूवी भी बहुत ही हॉरर होने वाली है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 स्टार है, जो कि बहुत ही अच्छी है। इस मूवी के डायरेक्टर जांग जी यून है, जो कि ऑलरेडी बहुत सारी हॉरर मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं सीधा मूवी की ओर। कहानी शुरू होती है दो शमन से, हॉरिन और उसका असिस्टेंट बोंग। शमन वो होते हैं जो कि पूजा और जादू टोना करके किसी भी पैरानॉर्मल चीज़ का पता लगाते हैं और किसी भी बुरी चीज़ को ठीक कर देते हैं। दोनों साउथ कोरिया से अमेरिका जा रहे थे क्योंकि उनको एक बहुत ही बड़े क्लाइंट मिस्टर पार्क जे चुल ने उनकी हेल्प करने के लिए बुलाया था। एयरपोर्ट से उन्हें मिस्टर पार्क का ड्राइवर गोनिम लेने के लिए आता है और गोनिम से उन्हें पता चलता है कि मिस्टर पार्क के ग्रैंडफादर बहुत ही अमीर थे। उनके पास पे दुनिया भर का पैसा था। उनका घर साउथ कोरिया में भी था, लेकिन मिस्टर पार्क के ग्रैंडफादर जी योंग के मरने के बाद सभी लोग अमेरिका में आकर शिफ्ट हो गए और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस सेटअप कर लिया। कुछ देर के बाद में वे लोग हॉस्पिटल में पहुँचते हैं जहाँ पर मिस्टर पार्क ने उन्हें बुलाया था। असल में मिस्टर पार्क का न्यूबॉर्न बेबी हर समय रोता रहता था और उसे मेडिसिन देकर सुलाया जाता था, और अगर ऐसा चलता रहा तो उनका बेबी जिंदा नहीं बचेगा। अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी उनके बेबी की प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए मिस्टर पार्क ने हॉरिम को वहाँ पर बुलाया था क्योंकि हॉरिम ने पहले भी ऐसे बहुत से प्रॉब्लम ठीक किए हैं। और उनको वहाँ पर देखकर मिस्टर पार्क की वाइफ मून बहुत खुश होती है। उसे नहीं लगता था कि हॉरिम कुछ कर पाएंगे, लेकिन जब हॉरिम और बोंग बेबी पर कुछ रिजल्ट करने के बाद में उन्हें बोलते हैं कि ये सब बच्चे के ग्रेट ग्रैंडफादर की वजह से हो रहा है, तब मिस्टर पार्कर की वाइफ डरी हुई दिखाई देती है और वो उनके काम पर बिलीव भी कर लेती है। लेकिन कुछ बात तो ऐसी जरूर थी जिसकी वजह से सारे फैमिली मेंबर ग्रेट ग्रैंडफादर जी योंग का नाम आते ही डर रहे थे। अब इस फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली में थे उनके ग्रेट ग्रैंडफादर जी योंग, जिनकी काफ़ी सालों पहले मौत हो चुकी थी। जी योंग की बेटी पार्क जिया, जी योंग का बेटा सियो जून जो अभी भी बहुत बूढ़ा है और व्हीलचेयर पर अपनी लाइफ गुजार रहा है, सियो जून की वाइफ बे, पार्क जिया का बेटा मिस्टर पार्क जेचुल और मिस्टर पार्क की वाइफ मून और उन दोनों का न्यूबॉर्न बेबी सुनजे। तो अब हॉस्पिटल से हॉरिम और बोंग को मिस्टर पार्क के घर लाया जाता है। दोनों पहली बार मिस्टर पार्क से मिलते हैं जो उनको बहुत सारा पैसा ऑफर करते हैं जिसके बदले में वो उनके न्यूबॉर्न बेबी को बचा पाए। मिस्टर पार्क से उन्हें पता चलता है कि उन्हें भी बहुत सालों से भयानक सपने आते हैं और आंखें बंद है और उनका न्यूबॉर्न बेबी भी तकलीफ में है। यहाँ तक कि मिस्टर पार्क का एक भाई भी था जो कि पागल हो गया था और कुछ साल पहले उसने मेंटल हॉस्पिटल में अपनी जान ले ली। उसे भी किसी बात का बहुत डर सताया करता था। उनकी बात सुनकर हॉरिम उन्हें बताती है कि उनके ग्रैंडफादर जी जोंग किसी बात को लेकर उनसे नाराज हैं, तो इसलिए उनकी फैमिली में ये बुरी चीज़ें हो रही है। ये सब ठीक करने के लिए जी जोंग के कॉफिन को फिर से निकालकर एक अच्छे से प्लेस में दफनाना होगा या फिर उनके कॉफिन को उनकी बॉडी के साथ में जलाना होगा। बेसिकली फिर से उनका अंतिम संस्कार करना होगा। लेकिन इन सब के लिए उन्हें और भी लोग चाहिए थे और बहुत पैसे भी चाहिए थे। पैसों को लेकर मिस्टर पार्कर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और इस कर्ज को खत्म करने के लिए वो तो जितना चाहे उतना पैसा देने के लिए राजी भी थे। तो अब इसके बाद में कहानी साउथ कोरिया में आती है जहाँ पर हम किम सोंग डियोक और युंग जूम को देखते हैं। मिस्टर किम एक फेंगशुई थे जो कि लोगों के मरने के बाद में उनको दफनाने के लिए रिलीजन के हिसाब से एक अच्छा सा प्लेस देखकर देते थे ताकि जब उन्हें वहाँ पर दफनाया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिले। तो वहीं पर ग्यूम एक मोर्टिशियन थे जो कि डेड बॉडीज को सजाकर उन्हें दफनाने का काम करते थे। आज उन लोगों ने एक ओल्ड लेडी के कॉफिन को फिर से निकाला था क्योंकि उनको दफनाने के बाद से उस ओल्ड लेडी के ग्रैंड चाइल्ड को बार बार उनका सपना आ रहा था। मिस्टर किम और ग्यूम अपने वर्कर के साथ में उस ओल्ड लेडी के कॉफिन को फिर से निकालते हैं और मिस्टर किम उस प्लेस को एग्जामिन करते हैं। मिस्टर किम के हिसाब से वो प्लेस लोगों को दफनाने के लिए बहुत ही परफेक्ट है, यहाँ तक कि उनकी डेड फैमिली मेंबर को भी वहीं पर दफनाया गया था। शायद उस ओल्ड लेडी का कोई फेवरेट चीज़ उसके साथ कॉफिन में नहीं रखा गया होगा, तो इस वजह से वो चीज़ लेने के लिए वो बार बार अपने ग्रैंड चाइल्ड के सपनों में आ रही है। तब जाकर वो ग्रैंड चाइल्ड कन्फेस करता है कि वो उनको बहुत ही मिस कर रहा था, तो इसलिए उसने अपने ग्रैंड मदर के दांत अपने पास में रख लिए थे। फिर सबके समझाने पर वो ग्रैंड चाइल्ड उस दांत को कॉफिन में वापस रख देता है और उसके बाद में
और इसके बाद में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उस ओल्ड लेडी को दफनाया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। अब ये सब खत्म होने के बाद में उसी रात को मिस्टर किम और ग्यूम से मिलने के लिए हॉरिम और बोंग आते हैं और उन्हें मिस्टर पार्कर के काम के बारे में बताते हैं। कुछ ही दिनों में मिस्टर किम की बेटे की शादी थी और अब उन्हें जितना काम मिले उतना अच्छा था क्योंकि उन्हें उनके बेटे की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो इसलिए मिस्टर किम इस काम को करने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि जी योंग को जब से दफनाया गया है तब से किसी भी फैमिली मेंबर ने उसके ग्रेव को विजिट नहीं किया है। बे तो वापस कोरिया जाना भी नहीं चाहती थी, उनका एक ऐसा राज था जो कि वे लोग मरते दम तक छुपाना चाहते थे। अभी राज क्या था ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा, लेकिन कुछ भी हो जाए मिस्टर पार्क अपने बेबी को बचाने के लिए कुछ भी करने वो कहीं भी जाने के लिए रेडी थे और उनकी फैमिली को उनकी बात माननी होगी। इधर अगले दिन हॉरिम बोंग मिस्टर किम और ग्यूम जी योंग के ग्रेव को देखने के लिए निकलते हैं, लेकिन उससे पहले रास्ते में मिस्टर किम मिस्टर पार्क से मिलते हैं क्योंकि वो उनकी फैमिली के बारे में कुछ बातें जानना चाहते थे। यहाँ पर मिस्टर पार्क जी योंग के अंतिम संस्कार को बहुत ही सीक्रेट तरीके से करने को कहते हैं। उनकी टीम के अलावा कोरिया के किसी भी पर्सन या मीडिया हाउस को इसका पता नहीं चलना चाहिए। साथ ही वो कॉफिन को खोलने से भी मना करते हैं और वो ये काम जल्द से जल्दी करना चाहते थे, तो इसलिए वो जी योंग के कॉफिन को जलाकर उसका अंतिम संस्कार करने को बोलते हैं क्योंकि अगर दफनाने की बात आती है तो अच्छी प्लेस को ढूंढते ढूंढते बहुत ही ज़्यादा टाइम होने वाला था। मिस्टर किम को ये बात बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए राजी थे। अब इसके बाद में वे लोग जी योंग के ग्रेव को देखने जाते हैं और अजीब बात तो ये थी कि उनकी ग्रेव साउथ कोरिया की बॉर्डर के पास था और वहाँ से नॉर्थ कोरिया भी दिखाई देता था। ऊपर से जी योंग का ग्रेव स्टोन भी बहुत ही सिंपल था, उस पर कोई नाम नहीं लिखा गया था, बस एक नंबर लिखा गया था 383417। मिस्टर किम उस प्लेस को टच करके वो देख कर ही समझ गए थे कि ये जगह बहुत ही मनहूस है। उस जगह के आसपास फॉक्स घूम रहे थे जो कि एक बुरी निशानी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने अमीर पर्सन को क्यों ऐसी कर्स्ड जगह पर दफनाया गया, साथ ही ऐसे अमीर लोगों की ग्रेव स्टोन कभी भी इतनी सिंपल नहीं होती है। तब मिस्टर पार्क उन्हें बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर जी योंग ने देश के लिए बहुत ही अच्छे काम किए थे, तो इसलिए जिसुन नाम के एक बहुत ही फेमस मंक ने उनकी ग्रेव के लिए इस प्लेस को ढूंढा था। और बात रही सिंपल ग्रेव स्टोन की, तो वो ग्रेव रोबर से बचने के लिए रखा गया था क्योंकि किसी भी डेड पर्सन के कॉफिन में उसका पर्सनल सामान भी रखा जाता है और ग्रेव रोबर अमीर लोगों की ग्रेव को खोदकर उनके कॉफिन से उनका सामान चुरा ले जाते थे, तो इसलिए जी योंग का ग्रेव बिना नाम के सिंपल रखा गया था ताकि ग्रेव रोबर्स उनके कॉफिन को नहीं खोलें। मिस्टर पार्कर की बातें सुनकर मिस्टर किम इस काम को करने से मना कर देते हैं। उनके मुताबिक अगर इस ग्रेव को फिर से खोदा गया तो कर्ज उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। उनको ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पर कोई बहुत ही बुरी एनर्जी है जो कि ग्रेव खोदने के बाद में उनका और भी बुरा हाल कर सकती है। मिस्टर किम को समझाने के लिए रात को मिस्टर पार्क उन्हें अपने होटल रूम में बुलाते हैं जहाँ पर हॉरिम भी उनके साथ में थे। अपने बच्चों की फोटो दिखाकर मिस्टर पार्क मिस्टर किम से बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं इस कर्ज को उनके ऊपर से हटाने के लिए। वो बस यही चाहते थे कि उनका बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह जिए और इसके लिए वो कोई भी कीमत देने के लिए राजी थे। तब हॉरिम भी मिस्टर किम को एडवाइस देती है कि ग्रेव खोदने से पहले वो एक रिचुअल करेंगे ताकि ग्रेव खोदने के बाद में कोई भी कर्ज उनके ऊपर न आए। हॉरिम की बात सुनकर बहुत सोचने के बाद में मिस्टर किम इस काम को करने के लिए राजी होते हैं। हालांकि मिस्टर किम समझ गए थे कि मिस्टर पार्क की पूरी फैमिली किसी बात को छुपा रही है। अब अगले दिन हॉरिम की डायरेक्शन को फॉलो करके सभी लोग रिचुअल के लिए राजी होते हैं। वहां पर मिस्टर पार्कर की पूरी फैमिली भी मौजूद थी और इस रिचुअल में ग्रेव खोदने के लिए 5 लोगों को और 5 पिक्स को लाया जाता है। बोंग और हॉरिम उन 5 लोगों के ऊपर एक छोटा सा रिचुअल करते हैं, उनको एक टीका लगाते हैं। फिर बोंग रिचुअल के मंत्र पढ़ने लगता है और हॉरिम रिचुअल परफॉर्म करने लगती है जिसमें वो रिचुअल डांस कर रही थी और वो खुद के ब्लड को सेक्रीफाइस कर रही थी, उन पिक्स को काट रही थी और उनका खून पी रही थी। उसके बाद में हॉरिम के इशारा करते ही वो 5 वर्कर उस ग्रेव को खोदने लगते हैं और कुछ टाइम के बाद में जी योंग को कॉफिन उन्हें मिल जाता है। कॉफिन को टच करने से पहले सभी लोग अपने ऊपर नमक डालते हैं ताकि कोई भी इविल स्पिरिट्स उन्हें पजेस नहीं कर पाए। फिर इसके बाद में कॉफिन को निकाला जाता है जो कि बिल्कुल अमीर इंसान के लिए एक रॉयल कॉफिन था। फिर मिस्टर पार्कर की फैमिली के साथ हॉरिम मिस्टर किम ज्यूम और बोंग कॉफिन को लेकर क्रिमेशन प्लेस पर जाने लगते हैं ताकि उनका अंतिम संस्कार हो सके। पर यहाँ पर वर्कर उसी कॉफिन की जगह को थोड़ा बहुत खोदकर देख रहे थे ताकि उन्हें कोई कीमती चीज़ मिल जाए। उन्हें वहाँ पर कोई कीमती चीज़ तो नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक अजीब तरीके का सांप दिखाई देता है जिसे चेंगमिंग नाम का एक वर्कर काटकर मार डालता है। वो सांप किसी ह्यूमन की तरह जोर से चिल्लाता है
जिससे सभी वर्कर डर जाते हैं। साथ ही उस सांप को मारने के बाद में हर तरफ काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। तो अब कोरियन रिलीजन के हिसाब से बारिश के समय कोई भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, नहीं तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये बात मिस्टर पार्कर को बोलकर कॉफिन को पास के हॉस्पिटल में मॉर्ग में रख दिया जाता है और इस पूरे मामले को हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात करके सीक्रेट रखा जाता है। अब यहाँ पर जियोंग की बेटी पार्क जिया टेंशन में थी कि कहीं किसी बाहर के आदमी को उनके इन सब काम के बारे में पता न चले। वो बस जल्दी से अंतिम संस्कार करके अमेरिका जाना चाहती थी, पर मिस्टर पार्कर को हॉरिम और उसकी पूरी टीम पर पूरा भरोसा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी फैमिली कोरिया के लोगों से छुप रही थी और वहाँ किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। और कुछ देर के बाद में मिस्टर किम एक टेम्पल के केयर टेकर से मिलने जाते हैं। ये टेम्पल उसी विलेज में था जहाँ पर जियोंग की ग्रेव थी। उस केयर टेकर के घर जाकर वो उस टेम्पल के मॉन्क के बारे में पूछते हैं कि क्या उस मॉन्क का नाम, पर उस केयर टेकर के हिसाब से उन्हें तो पूरे कोरिया में जिसुन नाम के किसी भी मॉन्क के बारे में नहीं पता है। ये सुनकर मिस्टर किम भी अब सोच में पड़ चुके थे कि आखिर ये जिसुन है कौन जिसने जियोंग के ग्रेव के लिए इतनी कष्ट जगह चुनी। लेकिन मिस्टर किम को केयर टेकर से एक अजीब बात पता चलती है कि वो ग्रेव रोबर कीमती सामान नहीं बल्कि 9 आयरन रोड को ढूंढ रहे थे। उन ग्रेव रोबर का सारा सामान और 8 आयरन रोड अब भी केयर टेकर के स्टोर रूम में रखा हुआ था जो मिस्टर किम को दिखाता है। अब शायद वो ग्रेव रोबर जिंदा ना हो और कभी भी उन्हें आखिर का आयरन रोड नहीं मिला। आखिर आयरन रोड का क्या मामला था ये बात तो केयर टेकर को भी नहीं पता थी। दूसरी तरफ कॉफिन को साफ करने के बाद में जिम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और इस दौरान वो अपने दोस्त को कॉफिन गार्ड करने की जिम्मेदारी देता है। लेकिन उनका दोस्त लालच में आकर उस कॉफिन को खोलने लग जाता है ताकि वो कॉफिन के अंदर का कुछ कीमती सामान निकाल सके। उसी समय वहाँ पर हॉरिम और बोंग आते हैं, लेकिन वे लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही जियोंग की स्पिरिट उस कॉफिन से आज़ाद हो जाती है। उसकी स्पिरिट जब हॉरिम के पास से गुजरती है तो हॉरिम अचानक से बेहोश हो जाती है। तब बोंग उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। इसकी खबर मिलते ही जियोंग और मिस्टर किम हॉरिम से मिलने आते हैं। यहाँ पर जियोंग की स्पिरिट इतनी इविल थी कि हॉरिम की नाक से ब्लड निकल रहा था। इधर जियोंग की स्पिरिट अपने बेटे सियो जून के पास में जाती है जो अपने पिता को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। बूढ़ा और बीमार होने की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके पिता का गोस्ट है ना कि उसका पिता। वो तो खुश होकर विंडो को खोल देता है और अपने पिता के गोस्ट को अपने पास में बुला लेता है, जिसके बाद में जियोंग का गोस्ट अपने बेटे का दिल निकालकर उसे जान से मार डालता है। अब इसके बाद में वो अपनी बहू मतलब कि सियो जून की वाइफ बे को भी जान से मार डालता है। अब जब मिस्टर किम को सियो जून और बे की मौत का पता चलता है तो तुरंत मिस्टर पार्कर को इस बारे में बताने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि जियोंग का अगला शिकार मिस्टर पार्क होगा। हॉरिम का भी यही कहना था कि इतने सालों में कोई फैमिली मेंबर जियोंग का ग्रेव विजिट करने नहीं आया, तो इसीलिए अब वो अपने सभी फैमिली मेंबर को चांस से मार डालना चाहता है। अब बस जल्दी से जल्दी उनकी फैमिली का परमिशन लेकर अंतिम संस्कार का काम कर देना चाहिए। लेकिन परमिशन मिलने तक जियोंग की स्पिरिट को रिचुअल करके बोंग की बॉडी में कैद करके उस कॉफिन में डालना होगा ताकि अंतिम संस्कार होने तक जियोंग का घोस्ट किसी भी फैमिली मेंबर को नुकसान नहीं पहुंचाए। जिसके बाद में हॉरिम रिचुअल परफॉर्म करने लगती है जहां पर जियोंग बोंग को एक रस्सी से बांध देता है ताकि पजस्ट होने के बाद वो किसी पर भी हमला ना करें। रिचुअल के कुछ ही देर के बाद में जियोंग की स्पिरिट बोंग को पजस्ट कर लेती है और तब हॉरिम उसे सब कुछ छोड़कर मुक्ति लेने को कहती है। लेकिन जियोंग की स्पिरिट ने तो अपनी पूरी फैमिली को खत्म करने का मन बना लिया था, जिसके बाद जियोंग की स्पिरिट बोंग की बॉडी छोड़कर अपना ग्रैंडसन मिस्टर पार्क को मारने के लिए निकल जाती है। और उस स्पिरिट की बॉडी छोड़ते ही बोंग ब्लैक ब्लड की उल्टी करने लगता है और वो पोजेशन से बाहर था। इधर मिस्टर पार्क को फिर से भयानक सपने आ रहे थे, तभी उन्हें मिस्टर किम का कॉल आता है जो उन्हें इन सभी इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। साथ ही वो डोर खोलने के लिए उन्हें मना करता है। उसी समय दरवाजे के बाहर से मिस्टर किम की आवाज़ आती है जो उन्हें दरवाज़ा खोलने को बोल रहे थे। तब फोन वाले मिस्टर किम बोल रहे थे कि डोर पर वो नहीं है बल्कि जियोंग का इविल घोस्ट है, तो इसलिए वो दरवाज़ा ना खोलें, बस विंडो खोल दें। उनकी बात मानकर मिस्टर पार्क विंडो खोल देते हैं। वो तब उनके ग्रैंडफादर जियोंग का घोस्ट अंदर आकर उन्हें पजेस कर लेता है। अब यहाँ पर फ़ोन पर मिस्टर किम नहीं बल्कि जियोंग का घोस्ट बात कर रहा था जिसने ट्रिक करके मिस्टर पार्को को पजेस कर लिया था। अब रियल में किम तो डोर खोलने में लगा हुआ था और हॉस्टल वालों से की लेकर वो जब रूम के अंदर आते हैं तो मिस्टर पार्क पूरी तरीके से पजेस हो चुके थे और खून की उल्टी भी कर रहे थे।
जिसके बाद में जीव का घोस्ट एक ही बात को बोलता है, द फॉक्स कट ऑफ द टाइगर्स वेस्ट। ये कहने के बाद में वो मिस्टर पार्कर का गला घुमाकर उन्हें जान से मार डालता है। एम्बुलेंस के आने के बाद में मिस्टर पार्कर को बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाते हैं। फिर अब इसके बाद में जियोंग का घोस्ट अपना ग्रैंडसन के न्यूबॉर्न बेबी को मारने जाता है। जियोंग के घोस्ट को देखते ही बेबी जोर जोर से रोने लगता है और जियोंग का घोस्ट उस बेबी को मार ही डालता अगर सही समय पर किम पार्क जिया की परमिशन लेकर जियोंग के कॉफिन का क्रिमेशन नहीं करते। अब अंतिम संस्कार के होते ही जियोंग की स्पिरिट को मुक्ति मिल जाती है और सही समय पर अंतिम संस्कार होने से बेबी भी अब नॉर्मल था और बाकी के फैमिली मेंबर पर अब कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन ये इस मूवी की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं थी। कुछ समय बीतता है और एक महीने के बाद में वो वर्कर चांग मिन जिसने उस स्नेक को मारा था वो मिस्टर किम से मिलकर बोलता है कि सांप को मारने के बाद से उसे भयानक सपने आ रहे हैं, उसकी हेल्थ खराब होती जा रही है और बार बार उसकी नाक और आंखों से खून निकलता है। ऐसा लगता है कि कोई एविल एंटिटी उसके पास में है। ये सुनकर मिस्टर किम फिर से उसी ग्रेव के पास में जाते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद में उन्हें वो अजीब सा सांप मिल जाता है, लेकिन उस सांप के साथ साथ वहाँ पर उन्हें कॉफिन भी मिलता है और ये कॉफिन वर्टिकली रखा गया था जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। साथ ही ये बात भी अजीब थी कि आखिर क्यों कोई दो कॉफिन को एक साथ एक ही जगह पर दफनाएगा। जिसके बाद मिस्टर किम ये बात हॉरिम बोंग और जियोंग को बताते हैं। खबर मिलते ही तीनों वहाँ पर आते हैं और उस कॉफिन को निकालने में लग जाते हैं। उस कॉफिन के निकालते ही सभी फॉक्स डरकर भाग जाते हैं। ये कोई नॉर्मल कॉफिन नहीं लग रहा था, ये कॉफिन बहुत ही बड़ा था और उसे वायर से बांधा गया था। तो अब शाम बहुत ही हो चुकी थी तो इसलिए कॉफिन को निकालने के बाद में वे लोग कॉफिन को टेम्पल के उस केयर टेकर के पास में लेकर जाते हैं और उनका परमिशन मिलने के बाद में उस कॉफिन को उनके आउटहाउस में रखा जाता है। प्रोटेक्शन के लिए हॉरिम कॉफिन के चारों तरफ चावल और घोड़े के खून से मार्किंग कर देती है। कुछ देर के बाद में मिस्टर किम के बुलाने पर पार्क जिया उस कॉफिन को देखने आती है, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि यह कॉफिन किसका है। कम से कम उनके किसी फैमिली मेंबर का ये कॉफिन नहीं था, लेकिन फिर भी ये कॉफिन उनकी फैमिली से कनेक्टेड था। साथ ही मिस्टर किम को कहीं से ये कन्फर्मेशन मिली थी कि जियोंग कोई अच्छा इंसान नहीं था, बल्कि उसने तो जापान और कोरिया के युद्ध के समय कोरिया के साथ में गद्दारी की थी। कोरियन होते हुए भी उसने कोरिया की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जापानीज को भेज दी और उसकी वजह से तब उसे भी पैसे मिले थे, तो इसलिए उसकी फैमिली इतनी अमीर है। मिस्टर किम के मुताबिक शायद इस बात का पता जिसुन मोंग को लगा होगा, तो इसलिए उसने जियोंग को इतने कष्ट जगह पर दफनाने की एडवाइस दी ताकि उसकी आत्मा को कभी शांति न मिले। अब जाकर सारी बातें सामने आती है। पार्क जिया भी कुछ नहीं छुपाती, ये सच है कि उसके पिता जियोंग एक देशद्रोही है और इस बात से उन्हें शर्म आती है, तो इसलिए वे लोग अब अमेरिका में रहते हैं। इसी शर्म और गिल्ट की वजह से कभी भी वे लोग जियोंग के ग्रेव को विजिट करने के लिए नहीं आए। पर पार्क जिया के मुताबिक मोंग जिसुन तो जियोंग का दोस्त था और वो कोरियन नहीं बल्कि जापानीज मोंग था। पार्क जिया उन्हें मोंग जिसुन की फोटो दिखाती है और वो सच में एक जापानीज मोंग था, लेकिन जिसुन का रियल मोटिव क्या था ये हमें आगे पता चलेगा। अब इसके बाद में पार्क जिया वहां से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो उनको उस कॉफिन का ध्यान रखने को बोलती है ताकि फिर से उसकी फैमिली पर कोई भी मुसीबत नहीं आए। पार्क जिया के जाने के बाद में वे लोग एक रिचुअल करके उस सांप की डेड बॉडी को जला देते हैं और अभी भी सभी लोग बहुत परेशान थे इस कॉफिन की वजह से और उस कॉफिन का कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। इसके बाद में बोंग मिस्टर किम और जियोम केयर टेकर के घर पर सो जाते हैं और हॉरिम अपनी कार में सोती है। सोने से पहले हॉरिम बोंग की सिस्टर यूना को कॉल करके इस जगह की हिस्ट्री के बारे में पूछती है जहाँ पर वो ग्रे मिला था, लेकिन यूना को भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। हॉरिम खुद को शांत करती है और आंखें बंद करके अपने ग्रैंड मदर को याद करती है जो खुद भी एक शमन थी। यहाँ पर हम हॉरिम की ग्रैंड मदर को उसके पीछे देखते हैं जिनकी आत्मा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उसके साथ में है। दूसरी तरफ देर रात को हम देखते हैं कि केयर टेकर का डॉग आउटहाउस को देखकर डर रहा था जहाँ पर उस कॉफिन को रखा गया था। साथ ही केयर टेकर को भी ऐसा फील होता है कि कोई इविल एंटिटी उसके पास में है, तो वही बोंग को ऐसा सपना आता है कि जख्मी केयर टेकर उसकी बॉडी के ऊपर खड़ा है जो बोल रहा है, अब वो आदमी मेरा लीवर लेकर चला गया, मेरा लीवर वापस लेकर आओ। डरकर बोंग नींद से उठता है और केयर टेकर को देखना चाहता है, लेकिन रूम में तो केयर टेकर था ही नहीं। फिर वो आउट हाउस जाता है जहाँ पर ताला लगा हुआ था
उसके बाद में वो पास के फार्म में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एक बहुत लंबा आदमी फार्म के एनिमल को काट रहा है और उन्हें खा रहा है, और उसने फार्म के ओनर और केयरटेकर को भी बहुत ही ब्रुटली तरीके से मार डाला है। डरकर बोंग होरिम के पास में जाता है और उसे आउटहाउस में आने को कहता है। एक पल के लिए होरिम को ऐसा फील होता है कि उसके ग्रैंड मदर वहाँ पर जाने से उसे रोक रही है, लेकिन फिर भी वो बोंग के पीछे जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि कॉफिन खुला हुआ है और कॉफिन के अंदर जो कुछ भी था वो छत तोड़कर बाहर निकल चुका है। फार्म में जो कुछ भी बोंग ने देखा था वो सब कुछ वो होरिम को बताता है और वो बाकी लोगों को भी इस बारे में बताना चाहता है। तभी होरिम को उस कॉफिन के अंदर से एक मास्क मिलता है और उस मास्क को देखकर होरिम समझ जाती है कि वो स्पिरिट किसी समुराई की है। उसी समय वहाँ पर उस समुराई की स्पिरिट आती है, लेकिन इस समुराई की आंखें नहीं थी, लेकिन वो स्मेल करके समझ जाती है कि वहाँ पर कोई है। वो जापानीज में पूछता भी है कि मेरा सर्वेंट कहाँ पर है और यहाँ पर कौन ह्यूमन है। खुद को बचाने के लिए होरिम जापानीज में खुद को उसका सर्वेंट बताती है। तब समुराई होरिम से अपना खाना मांगता है जो कि स्वीट फिश था, और अब होरिम के पास में ये नहीं था तो समुराई को समझ में आ जाता है कि वो उसके सर्वेंट नहीं बल्कि एक ह्यूमन है। गुस्से में समुराई फार्म ओनर का कटा हुआ सर होरिम के पास में फेंकता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। होरिम अपनी जान बचाकर आउटहाउस के बाहर भाग जाती है। उसी समय पर बोंग होरिम को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और एक आयरन रॉड समुराई के पेट में घुसा देता है, लेकिन समुराई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वो बोंग की बॉडी में अपना हाथ घुसाकर उसे जख्मी कर देता है। उसके बाद में वो होरिम को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन होरिम उस समय मियाओ के पास में थी तो इसलिए समुराई उसके पास में नहीं आ पाता है। मियाओ बुद्धिस्ट रिलीजन का एक पवित्र सिंबल है जिसे टेम्पल के शेप में बनाया जाता है। इसके बाद में समुराई खुद को एक फायरबॉल में कन्वर्ट करता है और वहाँ से उड़कर ग्रेव की जगह पर वापस चला जाता है। उसी समय वहाँ पर किम और जियोम आते हैं और वे लोग ये सब देखकर शॉक्ड थे। साथ ही समुराई को फायरबॉल में देखकर उन सबको अपने लाइफ के बुरे बुरे विजन अपनी आंखों के सामने दिखाई देते हैं। बोंग अभी भी जिंदा था तो सही समय पर तीनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर ने बोंग को बचा लिया था, लेकिन अभी भी वो बहुत जख्मी था और कोमा में था। कल रात के इंसिडेंट के बाद में उन तीनों को भी बुखार हो गया था, और ऊपर से कल रात जो कुछ भी बोंग केयरटेकर और फार्म ओनर के साथ में हुआ लोग उसे वाइल्ड बियर का हमला मान रहे थे। तो वहीं होरिम बोंग की हालत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। अगर वो बोंग को शमन के काम में नहीं डालती तो वह जिस हालत में नहीं होता। उसे बचाने के लिए बोंग ने खुद को खतरे में डाल दिया था, पर अब कुछ भी हो जाए होरिम बोंग को बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी। बोंग तभी पहले जैसा नॉर्मल होगा जब वो समुराई खत्म होगा। होरिम के मुताबिक ह्यूमन के मरने के बाद में उसका कोई भी फिजिकल सेल्फ नहीं होता है, या तो स्पिरिट होगा या फिर घोस्ट होगा या फिर सोल। लेकिन समुराई जिंदा भी नहीं था, पर उसका फिजिकल सेल्फ भी था, बिल्कुल किसी गोब्लिन की तरह। और इसके बारे में होरिम को कुछ नहीं पता था और ना ही उसके ग्रैंड मॉम ने उसे कभी सिखाया था। उसी समय मिस्टर किम को मिस्टर पार्कर के पोजीशन के समय की एक बात याद आती है, फॉक्स कट ऑफ टाइगर वेस्ट। इसी सेंटेंस का पता लगाने के लिए वो केयरटेकर के घर पर जाते हैं और उन ग्रेव रोबर का सामान देखने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें ग्रेव रोबर की डायरी मिलती है जिनमें राज लिखा हुआ था, वो भी प्योर ओल्ड कोरियन के वर्ड में। साथ ही उन्हें उन ग्रेव रोबर का एक फोटो भी मिलता है। और उसके बाद में मिस्टर किम उन ग्रेव रोबर के हथियार लेकर उस ग्रेव को खोदने जाते हैं। अब वहाँ पर वो क्या ढूंढ रहे थे ये हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। फिर थोड़ी देर ग्रेव को खोदने के बाद में वहाँ पर उन्हें समुराई की बॉडी मिलती है जो कि उस समय उस ग्रेव के अंदर सो रहा था। मतलब कि वो समुराई उस ग्रेव को छोड़कर नहीं जाना चाहता था और वो दिन में वहीं पर सोता रहता था। उसकी बॉडी देखकर मिस्टर किम डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ बोंग को बचाने के लिए समुराई कौन है ये पता लगाना जरूरी था, तो इसलिए होरिम बोंग की दोनों सिस्टर यूनहा और जाजिए को सुअर का मीट लेकर हॉस्पिटल में बुलाती है। होरिम का प्लान था कि वे लोग मीट का लालच देकर समुराई के सर्वेंट को बोंग की बॉडी में ले जाएंगे और उससे समुराई के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, जिसके बाद तीनों छोटा सा रिचुअल करते हैं और अपनी बातों से मीट का लालच देकर समुराई के सर्वेंट की स्पिरिट को वहाँ पर बुलाते हैं। कुछ ही देर में सर्वेंट की स्पिरिट बोंग को पजेस कर लेती है। उसके बाद में सर्वेंट से उन्हें पता चलता है कि उसका मालिक समुराई एक बहुत ही बड़ा वॉरियर था जो बहुत ही इविल पर्सन था और उसने 10,000 इनोसेंट लोगों को मारा था। साथ ही वो 383-471 इस नंबर को बार बार बोले जा रहा था।
जो कि उसी ग्रेव के स्टोन का नंबर था। फिर वो प्रेग्नेंट युन्हा को देखकर बोलता है कि समुराय उसके बच्चे को भी उसके पेट से निकालकर खा जाएगा। ये सुनकर जाहिए बोंग की बॉडी के ऊपर रखा स्पेल पेपर जला देती है और तब उस सर्वेंट की स्पिरिट बोंग की बॉडी को छोड़कर चली जाती है। अब युन्हा हॉरिम को इन सबसे दूर रहने को बोलती है क्योंकि ये सब जापानीज घोस्ट हैं जिनके बारे में उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन हॉरिम बोंग को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसी रात को मिस्टर किम हॉरिम और जिम को बुलाते हैं उनसे बात करने के लिए क्योंकि उन्हें फॉक्स कट ऑफ टाइगर वेस्ट का मतलब पता चल चुका था। असल में हुआ यह था कि जब जापान ने कोरिया को अपना गुलाम बनाया था तब जियोंग जैसे लोग पैसों के लिए अपने देश के साथ में गद्दारी कर जापानीज के दोस्त बन चुके थे। जियोंग का ऐसा एक दोस्त बना जिसुन मोंग जो कि कोरिया से बहुत ही नफरत करता था। तो उसने नो आयरन रोड पर ब्लैक मैजिक किया और उन रोड को कोरिया के अलग अलग ग्रेव में छुपा कर रख दिया ताकि डेवलपमेंट में कोरिया कभी भी जापान से आगे नहीं बढ़ पाए। उन ग्रेव रॉबर को इस बात का पता चल चुका था तो अपने देश के फ्यूचर के लिए ग्रेव रॉबर ग्रेव को खोदकर आयरन रोड को निकालने लगे थे। उन लोगों ने 8 आयरन रोड निकाल लिए थे लेकिन अभी भी एक रोड निकालनी थी और वो आयरन रोड उस समुराय के ग्रेव में कहीं पर थी और उस समुराय उस आयरन रोड को गार्ड कर रहा था क्योंकि उस समुराय जापान का सबसे ब्रूटल वॉरियर था जिसने हजारों इनोसेंट की जान ली थी और कोरिया का फ्यूचर बर्बाद करने के लिए उससे अच्छा कौन हो सकता था। तो इसलिए जुसुन मोंग ने समुराय की डेड बॉडी पर ब्लैक मैजिक करके उसे एक जीता जागता मूर्ता बना दिया और उसे उस 9th आयरन रोड का गार्ड करने का काम दिया। अब आयरन रोड और समुराय के बारे में किसी को पता न चले तो इसके लिए जिसुन मोंग ने समुराय के कॉफिन को पीछे दफनाया और उसके ऊपर जियोंग के कॉफिन को दफना दिया और इसी वजह से उन ग्रेव रॉबर को वो नवी रोड कभी नहीं मिली और कोरिया आज तक जापान से आगे नहीं बढ़ पाया। अब बोंग को बचाने के लिए और कोरिया के फ्यूचर के लिए वो 9th आयरन रोड निकालना जरूरी थी। यहाँ पर फॉक्स है जापानीज और टाइगर है कोरिया जिसने सालों से कोरिया को दबाकर रखा था तो इसलिए बोला गया था फॉक्स कट ऑफ टाइगर वेस्ट। हॉरिम को भी ये बात सही लगती है तो इसलिए उसी रात वो मिस्टर किम और जियोम वो आयरन रोड निकालने का डिसाइड करते हैं। तभी हॉरिम बोंग की बॉडी पर बने टैटू को नोटिस करती है जो कि सभी प्रोटेक्शन स्पेल के टैटू थे। उस समुराय ने बोंग को वहाँ पर जख्मी किया था जहाँ पर वो स्पेल प्रोटेक्शन टैटू नहीं थे। इसीलिए उस ग्रेव में जाने से पहले तीनों अपनी पूरी बॉडी में प्रोटेक्शन स्पेल लिख लेते हैं। साथ ही वहाँ पर जाने से पहले हॉरिम युन्हा और जाइए को एडवाइस देती है कि अगर बोंग पजेस्ट हो तो सही समय पर वे लोग एक चिकन को सेक्रीफाइस करें क्योंकि रोड निकालने के टाइम समुराय का सर्वेंट बोंग को पजेस करके उसे ख़त्म कर सकता है और अगर वे लोग सही समय पर चिकन को सेक्रीफाइस करेंगे तो सर्वेंट मीट के लालच में चिकन के पास में आएगा और बोंग बच जाएगा। इधर उन तीनों का प्लान था कि वो ग्रेव से थोड़ी दूर स्वीट फिश को डालेंगे फिर रात होते ही वो फिश खाने के लिए समुराय ग्रेव से बाहर आएगा। तब हॉरिम समुराय को अपनी बातों में फंसा कर दूर ले जाएगी और उसी मौके का फायदा उठाकर मिस्टर किम और जियोम ग्रेव और सैरन रोड को ढूंढ लेंगे। अब सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है और रात को समुराय स्वीट फिश को फॉलो करते हुए उन्हें खाकर ग्रेव से दूर हॉरिम के पास में आ जाता है। तब हॉरिम उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो बोंग की बॉडी को छोड़ दें। कोरिया और जापान की वॉर कब भी खत्म हो चुकी थी तो उसे अब आयरन रोड को प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन समुराय हॉरिम की बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर हॉरिम की ग्रैंड मदर की स्पिरिट उसके साथ में थी जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है और तब हॉरिम वहाँ से आगे भागती है। दूसरी तरफ बहुत ढूंढने के बाद भी मिस्टर किम और जियोम को आयरन रोड नहीं मिलती है और ये बताने के लिए जियोम हॉरिम को ढूंढता हुआ चला जाता है। उसी समय पर मिस्टर किम ग्रेव में अकेले थे और दूसरी तरफ जियोम हॉरिम को बताता है कि ग्रेव में कोई आयरन रोड है ही नहीं। अचानक दोनों देखते हैं कि समुराय फायरबॉल बनकर ग्रेव की तरफ चला गया है और वहाँ पर मिस्टर किम मौजूद है। दूसरी तरफ समुराय के सर्वेंट ने बोंग को पजेस कर लिया था और युन्हा और जाइए रिचुअल कर रहे थे और सही मौके का वेट कर रहे थे चिकन को सेक्रीफाइस करके बोंग को बचाने के लिए। यहाँ पर मिस्टर किम सही समय पर ग्रेव से नहीं निकल पाते हैं और उनका सामना समुराय से होता है। वो समुराय अपना हाथ मिस्टर किम की बॉडी में घुसाकर उनका लीवर निकालने की कोशिश करता है लेकिन तब तक मिस्टर किम को समझ आ गया था कि वो 9th रोड उस ग्रेव की जमीन में नहीं बल्कि उस समुराय की बॉडी के अंदर डाला गया है और इसीलिए उस समुराय के कॉफिन को वर्टिकली दफना गया था।
क्योंकि किसी भी आयरन रोड को वर्टिकली दफनाया जाएगा। उसी समय हॉरिंग मिस्टर किम को बचाने के लिए समुराय के ऊपर घोड़े के खून को डालती है, जिससे कि समुराय चलने लगता है। और जैसे जैसे समुराय तड़प रहा था, बोंग के अंदर छुपा हुआ समुराय का सर्वेंट भी तड़प रहा था। तो वही समुराय मिस्टर किम को छोड़कर हॉरिंग और जियोम का गला पकड़कर उन्हें हवा में उठाकर मारने की कोशिश करता है। तब मिस्टर किम किस तरह खुद को संभालते हैं और ग्रेव रोबर के हथियार को समुराय की बॉडी में घुसा देते हैं। उस हथियार के ऊपर स्पेल लिखा हुआ था और वो एक पवित्र लकड़ी से बना हुआ था, तो इसलिए समुराय तड़पने लगता है। उसी मौके का फायदा उठाकर मिस्टर किम उसी हथियार से समुराय के सर को उसके धड़ से अलग कर देते हैं और वो समुराय हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अब वो आखिरी आयरन रोड भी निकल चुका था। इधर समुराय के ख़त्म होते ही उसका सर्वेंट भी ख़त्म हो चुका था, तो बोंग भी ब्लैक लिक्विड की उल्टी करके पोजीशन से बाहर आ गया था। तब चिकन को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वहीं पर मिस्टर किम समुराय के हमले से बहुत ही जख्मी हो चुके थे, लेकिन उन्हें सही समय पर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बचा लेते हैं। कुछ ही दिनों में बोंग और मिस्टर किम दोनों पहले की तरह ठीक हो चुके थे और सभी बहुत ही खुश थे, लेकिन आज भी उन्हें उन भयानक इंसिडेंट के विजन आते हैं। फिर भी सभी लोग जितना हो सके नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। इन सब इंसिडेंट को वाइल्ड ईयर का हमला कहा जाता है, ताकि आम पब्लिक घोस्ट और स्प्रिट की बातों को लेकर नहीं डरे और सबकी लाइफ नॉर्मल चले। इन इंसिडेंट के बारे में बस हॉरिम मिस्टर किम जियोम और बोंग को ही पता था। कुछ ही दिनों में मिस्टर किम की बेटी की भी शादी हो जाती है, जहाँ पर हॉरिम बोंग और जियोम भी मौजूद थे। और बस एक फैमिली और फ्रेंड्स फोटो के साथ में इस मूवी का यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।